अल्लाह ताला के फजल और शुक्र के साथ एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। और आज 16 अक्टूबर, आपको पता होगा कि पाकिस्तान भर में 11 कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 9 जो पोस्ट है उनसे कंटेस्ट कर रहे हैं, और एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है हकीकी आज़ादी और जो 12 पार्टी से इम्पोर्टेड हुकूमत उनके दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इम्पोर्टेड हुकूमत के दरमियान हकीकी आज़ादी के लिए ये एक मुकाबला होने जा रहा है, और जीतने की सूरत में आज ये साबित हो जाएगी कि वाकई हकीकी आज़ादी चाहती है। इन्हें 24/2 हमारे हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और ANP का जो उम्मीदवार है एमएल वली, उसके दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। और आज काफ़ी हीटेड एक्सचेंज मुकाबला है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हीटेड है बाहर, और लोग वोट पोल करने के लिए जा रहे हैं। वोट होने का टी सुख पगड़ी और सुख पेली। कल जिस शादी की बारात में गए थे, आज वहीं पर गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आए हैं वोट कास्ट करने, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी है। तो डालते हैं अपना वोट जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए और उस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। जिस तरह सुबह मैंने बात की थी कि आज हमारे NH24 में वोट है, आज NH24 में हमारा वोटिंग से ज़िमनी इलेक्शन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो अभी आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। चैनल लवर किएगा गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 इब्राहिम दे, और हमारा पोलिंग स्टेशन भी ये हमारे इलाके का वाहिद हाई स्कूल है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है। इसके अलावा ये बहुत ही पुरानी स्कूल है हमारे इलाके में, और जब भी इलेक्शन होती है एसी स्कूल में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। होपफुली ये जो वोटिंग है ये पाकिस्तान की बका और जमहूरियत की बका के लिए एक साजगार और कामयाब तरीन वोटिंग साबित होगी। अब्दुर्रहमान कागज ने टोली वाला कोर्ता था ये मोलाल देखा जावे जा शुरू से ने 78 तो वाला कम ला ला कम ऑन दा बीटे ही वाला दी कना वाला तरीका लेके बदला ला शुरू में दा औरजंग वाला दी निशाने में बट असली औरजंग लमा देता है मड़ा उठवार का दा मका वाले के हम खेल।